सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, मरते दम तक कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर ही माले का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बाक पन साथियों, अब तुम्हारे हवाले बतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले बतन साथियों, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले बतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले बतन साथियों, राह कुर्बानियों की नबीरान हो तुम से जाके ही रहना नए काफले, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले बतन साथियों। हम दिल्ली गवर्नमेंट के अम्बेडकर हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, हम सब पेशेंट की केयर करते करते कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आज ये देखिए केजरीवाल जी ने हमें कितनी अच्छी फैसिलिटी दी है, ये देखिए आप, यहाँ ना पानी की सुविधा है, ना खाने की सुविधा है, ना टॉयलेट है, कुछ नहीं है। ये देखिए मेरे साथ ही हमारे दो स्टाफ और हैं, हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, यहाँ बहुत अच्छा सिला मिला, हमने पेशेंट की केयर करी है, हम पॉजिटिव हो गए हैं। अब इसके बाद हमारे घर वालों का क्या होगा हमें नहीं पता, हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है तो उनको तो इससे भी अच्छी मिलेगी। चार या पाँच घंटे हो गए हमारे, किसी ने ना पानी की पूछा है, ना खाने की पूछा है, अभी रात के 9:15 बजने को आए, ना कोई किसी ने खाने के लिए पूछा है अभी तक, ना पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो रही यहाँ पे, और दूसरे मरीज भी आए जा रहे हैं उनके साथ हमारे को रुका हुआ है। हमारे यहाँ चार पांच पेशेंट सिक आ चुके हैं और उन्हीं के बीच हमें बिठा रखा है, हमारी कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स हो सकती है, और ना हमें कोई खाना दे रहा है, ना कोई पानी के लिए पूछ रहा है। कार सूना पड़ा घर द्वार, हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार, मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं, हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं, जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार, हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार, हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे, हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण
घरों में सब छिप जाएंगे, हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। हो सूना पड़ा घर द्वार, हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार। सबकी बड़ी खबर दतिया से आ रही है, जहां दतिया सिरोल पहुंची गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। सिरोल में गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ग्रामीण कोष खाद्य सामग्री वितरण की है और सैनिटाइजर से हाथ धोए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सभी से अपील भी की है। ये खबर दतिया से है। दतिया से संगम कुशवाहा की रिपोर्ट। नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण से पूरा विश्व लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें लगभग 200 से अधिक देश इस गंभीर महामारी की चपेट में अपने उल्टी गिनती गिन रहे हैं। इस संक्रमण में भारत देश भी अछूता नहीं रहा। लॉकडाउन के तीसरे चरण चल रहा है, जिसमें अभी तक लगभग देश में 50,000 संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच गई है। वहीं मजदूरों का पलायन भी लगातार जारी है, जो भूख और प्यास से परेशान है। लेकिन जब ये प्रवासी मजदूर डबरा की पावन भूमि पर पहुंचते हैं, तो उन्हें भोजन पानी की व्यवस्था से वंचित नहीं करना पड़ता। दर्जनों समाज सेवी उनकी सेवा में रात दिन लगे हुए हैं, और एक ऐसा ही दिन नहीं गुजरा जब कोई भी मजदूरी यहाँ से खा गया हो। ऐसी समाज सेवा शायद किसी और अन्य जिले में देखने को मिले। डबरा की पावन भूमि पर संत पीरबल दास आश्रम के भक्तों द्वारा रात और दिन सैकड़ों गरीब परिवार प्रवासी मजदूरों को भोजन करा रहे हैं। वहीं सुबह और शाम डबरा की गली गली में पहुंचकर गायों को भूसे की सानी खिलाकर उनका भी पेट भर रहे हैं। डबरा से हिंदुस्तान टुडे के साथ ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। मेरा नाम महेश कुमार, मेरे को यहाँ गोलू के नाम से जानते हैं, और हम लोग संत पीरबल दास आश्रम की तरफ से हैं। और संत पीरबल दास आश्रम की तरफ से ये नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम दो टाइम अपन गऊ की सेवा करते हैं, जितने भी गोवंश हैं सबकी सेवा करते हैं अपन। उसमें क्या है कि सुबह 6 बजे से अपन जुटते हैं, 6 से लेकर 11 बजे तक एक शिफ्ट, और दूसरी शिफ्ट अपनी शुरू होती है 3 से 7 बजे तक, जिसमें 2 शिफ्टें लग के अपन पूरे डबरा शहर में जितने भी बेजुबान जानवर हैं गोवंश हैं उनको अपन फिट कराते हैं। तो पूरे डबरा में कितने गोवंश मतलब समथिंग माना जाए? मेरे ख्याल से 2,000 से ऊपर है। तो सभी 2,000 गोवंश को अपन ज़्यादा से ज़्यादा माल तैयार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना माल बनाते हैं वो समझ लीजिए 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा नहीं चल पाता, पूरा ख़त्म हो जाता है। और इतने चाव से वो खाती हैं, इतने उनके उनका पेट भरा रहता है, तो यहाँ वहाँ न वो मुँह मारती हैं, न किसी को घायल करती हैं, न कुछ करती हैं। उनको पन्नी भी पेटों में उनके पेटों में पन्नी जाती है, तो उसके तरह तरह की बीमारियाँ उनको। खबर नरवा से है आ रही है, जहां डॉक्टरों ने नरवा नगर वासियों से अपील की है कि कोरोना वायरस के चलते लोगों से अपील की और समझाइश दी कि घरों से बाहर ना निकलें, और घरों से बाहर अगर निकलते भी हैं तो मास्क लगाकर ही निकलें। घर जाने पर हैंड को सैनिटाइज करें और अति आवश्यक काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। साथ ही साथ लगातार सोशल। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर द्वारका प्रसाद। जैसे कि COVID-19 कोरोना वायरस के चलते आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? हम हमारे नरवा की जनता से अपील करना चाहते हैं कि जब भी घर से बाहर निकलें अपना मास्क अच्छी तरह से साबुन से हाथ धो करके, और जहाँ पर भीड़ भाड़ का इलाका है उससे दूर रहें, और लोगों से कम 2 या 3 मीटर की दूरी बना कर रखें। और हमारे जो लोग हैं उनको हम ये समझाना चाहते हैं कि इससे कोरोना वायरस जो है ये पूरी दुनिया में फैली हुई बहुत ही भयंकर महामारी की बीमारी है, और ये जो है अभी तक इसका वैक्सीन बना नहीं है। इसलिए हम लोगों से कहना चाहते हैं कि लोगों से दूरियां बनाए रखें,
और इसकी जो चेन सर्किल है उसको तोड़ के रखे हैं, और जब तक हमारा ये वैक्सीन बनता है तब तक हम इससे सावधानी से ही रहें। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर बाबूलाल कुशवाहा। कहाँ के निवासी आप? नरवा। जैसे कि कोरोना महामारी के चलते COVID-19 के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? नगर नरवा नगर लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर महत्वपूर्ण काम हो उसी के लिए निकलना चाहिए, और अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, और अपनी फैमिली का बचाव करना चाहिए। ये स्पष्ट है। लॉकडाउन के चलते आप क्या कहना चाहेंगे लोगों? लॉकडाउन तो अभी लंबा चलेगा, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो मरीजों का बढ़ने का संक्रमण का खतरा है वो बढ़ रहा है, अभी घट नहीं रहा। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रवि कुशवाहा। जैसे कि कोरोना वायरस के चलते नरवर की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं नरवर की जनता से अपील करता हूँ कि जैसे कि कोरोना वायरस COVID-19 चलते मेरा सभी नगरवासियों से अपील है कि घर से बाहर ना निकलें। अगर अति आवश्यक काम करने पर घर से बाहर गया और मास्क लगा कर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक बार हाथ सही रख के पाँव को धो, मुँह को धो, तब अंदर। पूर्ण रूप से लॉकडाउन का